फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले केकेआर को कॉन्ग्रेचुलेशन, और सबसे बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन किंग ऑफ द बॉलीवुड, किंग ऑफ द आईपीएल शाहरुख खान, उसको क्रेडिट जाता है। यकीन माने आज जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है केकेआर ने, यकीन माने अनएक्सपेक्टेड भाई, उसने सारा गुरूर तोड़ के रख दिया। सबसे पहले उसके ना केकेआर के लिए जश्न होगा, पैट कमिंस के लिए ये ये जश्न होते हैं केकेआर की जीत के ऊपर, क्योंकि देखे ना यार, एक टीम 2014 के बाद अब जाके अपने नाम टाइटल कर गया, तो आपको क्या, आपको खुशी नहीं होगी? बिल्कुल खुद देखे यार, पैट कमिंस ने जो आज खामोशी अख्तियार कर ली है ना, अब मुंह ही चुपाएगा पैट कमिंस सारी जिंदगी के, यार मेरी, मैं तो बहुत बड़ा पागल था जिसने इंडिया में जाके स्टेटमेंट दे दी थी कि हम लोग इस तरह चुप करा देंगे, उसको चुप करा देंगे। पैट कमिंस को हरा कर दिल को जो सुकून आया ना, मैं कहूंगी एसआर के रूल्स, इवन इफ इट इज बॉलीवुड और इवन इफ इट इज आईपीएल। हैरान हूं, पैट कमिंस का बंदर बना दिया, जो बंदा जो स्टेटमेंट देता है वो स्टेटमेंट पूरी करता है। जय हिंद दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग यानी कि आईपीएल में दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक शाहरुख खान की क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत का जश्न दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा में मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे शाहरुख खान की टीम, ये तीसरा आईपीएल जीत चुकी है, और क्या लक है भाई, इस साल जितनी फिल्में वो भी सुपर डुपर हिट और आईपीएल भी ले गए। डेफिनेटली यार बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन केकेआर, ठीक है, मेरी फोर्थ मोस्ट फेवरेट टीम थी। फर्स्ट आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही मैंने सबको कह दिया, प्रेडिक्शन कर दी यार ये कप केकेआर का, जो अच्छा। मर्जी कर ले, जिसका मर्जी सनराइजिंग हैदराबाद पैट कमिंस, जिसका मर्जी हर एक को चुप करवा ले, ठीक है, हर टीम को जो उंगली दिखा के चुप करा, ट्रेविस हेड जिस तरह बैटिंग कर रहा था, बट मैंने कहा जिसका मर्जी परफॉर्मेंस कर ले, सनराइजिंग हैदराबाद जिस तरह मर्जी कर ले, बट ये कप केकेआर से कोई नहीं ले सकता, वो आज साबित कर दिया। हाँ, विराट कोहली जब बाहर आउट हो गए थे, उनकी टीम बाहर निकल थी, और जितने भी ये आईपीएल के कवर करने वाले चैनल थे, ये निहायत डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार अब आईपीएल में बचा क्या, हमारा तो किंग बाहर हो गया। तो जो बॉलीवुड के किंग ने एंट्री मारी है, नो डाउट यार, बॉलीवुड का किंग हमेशा ही दबंग की है, एंट्री मारता है कि इंसान कैसा पोज मारता है, मैं कहता हूं ये अखीर है यार, वाकई शाहरुख खान को वाकई एवी नहीं कहा जाता, किंग है, पूरी दुनिया का वो किंग है, बॉलीवुड का लेदर किंग, आईपीएल का लेदर किंग, दो ट्रॉफी 14-10 साल। दरअसल कल आईपीएल 2024 का फाइनल मैच सनराइज हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुआ था, और इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइज हैदराबाद को एक बहुत ही बड़ी शिकस्त दी थी और 113 रनों पर पूरी टीम को आउट कर दिया था। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने तकरीबन 11 ओवर में सारे रन कम्प्लीट कर लिए थे और आईपीएल 2000 की ट्रॉफी को जीत लिया था। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के साथ 10 सालों तक कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच बनने का एग्रीमेंट साइन किया है। गौतम गंभीर की कोचिंग में कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार आईपीएल की विजेता बन चुकी है, और आईपीएल में कोलकाता टीम की जीत की खुशियां दुनिया भर में मनाई जा रही हैं, और बिल्कुल इसीलिए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा पर भी कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण भारत और यूएई के संबंध तो है ही, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण है शाहरुख खान। आपको बता दें कि शाहरुख खान यूएई के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं, और शाहरुख खान को यूएई में कई बड़े बड़े अधिकार प्राप्त हैं, और इसीलिए शाहरुख खान को यूएई में बिल्कुल उतनी ही रेस्पेक्ट मिलती है जितनी कि वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलती है। और यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत को आप बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर देख पा रहे हो। आदमी एक जिसने आकर वर्ल्ड कप में कहा था हम इंडिया के सारे क्राउड को चुप करा देंगे, आज वो इतना शर्मिंदा होकर जा रहा है ना, दिल को सुकून हो रहा है। मतलब वो वर्ल्ड कप का बदला ऑस्ट्रेलिया के साथ बाद में सीरीज जीतने में भी नहीं आया था, जो आज आया है। पैट कमिंस को हरा कर दिल को जो सुकून आया ना, यही सुकून हमें चाहिए था, कब से हम वर्ल्ड कप के बाद इसी सुकून के इंतजार में थे। एंड द अदर थिंग वाज श्रेयस अय्यर, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने ऐसी कैप्टेंसी करके दिखाई है, ऐसी मेच्योर कैप्टेंसी करके दिखाई है। आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ये वो बंदा है जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, ये उनका पीछे वाला जो इनका टैलेंट है वो ये है, तो जो वर्ल्ड कप में ये लोग लेके जा रहे हैं, कैन यू इमेजिन, आप वो वेवलेंथ मैच कर सकते हो वहां तक कि यार जो ये वो लोग हैं, पैट कमिंस को उस बंदे ने हराया है जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, तो जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के बंदे का क्या हाल करेंगे। ट्रेविस हेड को इन लोगों ने नहीं चलने दिया, मैं कहूंगी एसआर के रूल्स, इवन इफ इट इज बॉलीवुड और इवन इफ इट इज आईपीएल। वो सिर्फ हार रही है, वो इंग्लैंड से भी हार रही है, वो आयरलैंड से भी हार रही है, न्यूजीलैंड से भी हार रही है, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये, हम तो बड़ी उम्मीदें लगा के क्रिकेट पे बैठे हुए हैं, अपनी टीम पे बैठे हैं,
सो अमीर हुसैन ये बताएं पाकिस्तान की टीम जो है वो क्यों हार रही है? इनकॉम्पिटेंट है, अच्छा नहीं खेल सकते, या डरते हैं, या कि अगली टीम बड़ी तगड़ी है? एक तो चीमा साहब, पिछले आप कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारी टीम ना एक अच्छी प्लानिंग के साथ नहीं चल रही, ना हमारी बॉलिंग ना हमारी बैटिंग। टॉस करके हम जब भी टॉस करते हैं तो हम हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम जो है पहले बॉलिंग करें, ताकि क्योंकि हम जो है एक अच्छा टारगेट भी डिफेंड नहीं कर सकते, 180 का 190 का टारगेट हम डिफेंड नहीं कर सकते। हमारे बॉलर्स डरते हैं कि हमें टारगेट डिफेंड करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे। इन्हें समझ ही नहीं लगती कि आप आयरलैंड के खिलाफ भी, अगर आप आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 180 का टारगेट दिया तो पाकिस्तान से वो भी जो है डिफेंड नहीं हुआ। फिर उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान के मैचेस हुए तो तब भी जो है पाकिस्तान जो है 180 का 190 का टारगेट डिफेंड नहीं कर पाई। और इसी तरह न्यूजीलैंड की एक कमजोर सी चीमा साहब टीम ने पाकिस्तान को 2 मैचेस हरा दिए, और तमाम न्यूजीलैंड के उस टाइम जो बड़े बड़े प्लेयर थे वो आईपीएल खेल रहे थे। एक छोटी सी टीम जब पाकिस्तान आई हुई है और वो पाकिस्तान को 2 मैचेस हरा के चले गए, वो तो बहुत खुश थे, यार हमने तो इनिंग्स ड्रॉ कर दिए पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के बॉलर नाकाम रह रहे थे, पाकिस्तान के बॉलर जो है बहुत ज्यादा रन दे देते हैं, फिर हमारे बैटर्स को हाथ में पड़ जाते हैं, यार हम क्या करें, इनसे टारगेट फिर चेज भी नहीं होता है। वैसे ये कहते हैं कि हम टारगेट चेज करने में बड़े माहिर हैं, लेकिन कल चीमा साहब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान से 184 का टारगेट जो है चेज नहीं हुआ। और स्टार्ट में जो है मुझे लग रहा था चीमा साहब कि हमारे प्लेयर्स जो है जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं या ओडीआई मैच खेल रहे हैं। रिजवान आए तो रिजवान जब ओपनिंग पे आते हैं चीमा साहब तो 3 बॉल जाया कर देते हैं और साथ ही आउट हो जाते हैं। उसके बाद साहिब अयूब 7 बॉल्स पे सिर्फ चीमा साहब 2 रन बनाए, बाबर आजम ने 26 बॉल्स पे 32 रन बनाए सिर्फ 32 रन 26 बॉल्स पे। पर जमान ने चीमा साहब अच्छी इनिंग्स खेली, जो कि उन्हें दाद देनी पड़ी कि उन्होंने एक फास्ट इनिंग्स खेली 21 बॉल्स पे 45 रन की। तो उसके बाद आजम खान आते हैं, जिन पे मैं पहले भी बात काफी दफा अपने यूट्यूब चैनल पे भी बात कर चुका हूँ कि इन्हें क्यों खिलाया जा रहा है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 10 बॉल्स पे सिर्फ 11 रन बनाए और आउट हो गए। आजम खान वही है ना जो मेरी तरह सेहतमंद है। जी जी वो सेहतमंद ही है। तो उन्हें अब मुझे समझ लगती है उन्हें क्यों खिलाया जा रहा है, वो ना अच्छी कीपिंग कर पा रहे हैं, मिसफील्ड उनसे बॉल बड़ी दफा हो जाती है, वो टेस्ट मैच की तरह मैच खेल रहे हैं। चीमा साहब हमारे पास इतने इतने अच्छे बैट्समैन और बॉलर्स पड़े हैं, हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस जो है वो पीएसएल में भी उन्हें इस समय थोड़ी सी बुरी परफॉर्मेंस दे दी, उन्हें कहा टीम से बाहर हो जाए। सलमान अली आगा को हमने पिछले कई माह से रिजर्व में रखा है, हमने उन्हें स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। आयरलैंड के खिलाफ हमने उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाया पर उन्हें 3 मैचेस में खेलने का मौका ही नहीं मिला।